नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डोईवाला के बुल्ला वाला झबरा वाला गांव में सुस्त गति से चल रहा नहर का निर्माण कार्य पड़ रहा किसानों और ग्रामीणों पर भारी। बीते 4 महीनों में हुआ मात्र 2 किलोमीटर नहर का निर्माण। डीडी हाट में नगर पालिका द्वारा 5 दिवसीय महोत्सव का हो रहा है आयोजन। प्रदेश के लोक कलाकारों के साथ विभिन्न राज्यों की संस्कृति की भी हो रही है प्रस्तुति। लच्छीवाला फ्लाईओवर के नीचे मिला श्रमिक का शव, जांच में जुटी पुलिस। जसपुर में यूथ कांग्रेस ने की बेरोजगारी चौपाल की शुरुआत। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शुभचंद ने कहा, पूरे प्रदेश में युवाओं के ऊपर डाला गया है बेरोजगारी का भार। उत्तरकाशी में राज्य स्थापना महोत्सव के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने नगर पालिका कर्मचारियों के साथ की गंगा घाटों की सफाई। अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट होने पर सफाई कर्मचारियों को लगाई जमकर फटकार। उत्तरकाशी के मनेरी में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को वितरित की गई निःशुल्क राशन किट। प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री प्रताप रावत ने की योजना की जमकर तारीफ। मसूरी में ख्वाजा अली पठान बाबा की मजार पर धूमधाम से मनाया गया उर्स, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने चढ़ाई चादर। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस की हुई शंखनाद रैली, मंच पर बैठने को लेकर हुई धक्का मुक्की। बद्रीनाथ धाम में अनियंत्रित कार ने महिला तीर्थयात्री को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। उत्तराखंड में 27,112 कैंसर रोगियों को मिला निशुल्क इलाज का आयुष्मान, 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च। चुनावी माहौल गर्माने इसी महीने उत्तराखंड आ सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान। तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। कासगंज पुलिस हिरासत में हुई अल्ताफ की मौत पर यूपी सरकार पर बरसा विपक्ष, कहा कानून की हुई हत्या, नौकरी मुआवजे की मांग उठाई। भाजपा सरकार पर खूब गरजे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कहा योगी खुद पलायन करके यहां आए, यूपी पुलिस पर उठाए सवाल। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, विवाहित पुत्री को भी मृतक आश्रित में मिलेगी नौकरी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संग 30,000 लोग होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा एक जनपद एक उत्पाद से आगे बढ़ा मेरठ, खेल विश्वविद्यालय का जल्द शुरू होगा निर्माण। कानपुर में बनेगा प्रदेश का पहला जीका डेडिकेटेड हॉस्पिटल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। वाराणसी में 3 लोगों की संदिग्ध हालात में हुई मौत, एक युवक का तालाब में मिला शव, 2 बुजुर्गों की ट्रेन से कटकर गई जान। अमरोहा में शुरू हुआ तिगरी मेला, 10 दिन बहेगी आस्था की बयार। और लखनऊ में नए पक्का पुल पर देर रात को मुठभेड़ में दबोचा गया वाहन चोर, 1 बुलेट और असला बरामद। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।